सूरज हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, देखिए विधानसभा का आज आखिरी दिन, मानसून सत्र चल रहा था, हालांकि लगातार हंगामे की तस्वीर सामने आई और आज जब आखिरी दिन है तब भी तस्वीर कुछ ना कुछ कमोबेश सेम नजर आ रही है और विधायकों के द्वारा, विपक्ष के जो विधायक हैं उनके द्वारा यह हंगामा किया गया। सुबह से क्या कुछ तस्वीर रही, क्या कुछ आप देख रहे हैं वहां पर? देखिए फिलहाल झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन सदन के अंदर जितने भी विधेयक है उस विधेयक को सरकार की तरफ से पटल पर रखे जा रहे हैं और उस विधेयक को पास किए जा रहे हैं, यानी विभिन्न जो विभाग हैं उन विभागों के जो विधेयक उन्हें पटल पर रखा जा रहा। फिलहाल सदन के अंदर अगर हम बात करें तो नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी है, विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा है और वही विपक्ष के जो विधायक आसू से विधायक लंबोदर महतो, यानी तीन विधायक विपक्ष के वो फिलहाल अंदर में है और सत्ता पक्ष के मुख्यमंत्री के साथ तमाम मंत्री और विधायक मौजूद है और उनकी ही देखरेख में ये तमाम विधायक को पटल पर रखा जा रहा है। लेकिन जहां तक 18 निलंबित विधायकों की अगर बात करें तो सभी विधायक फिलहाल हाउस के अंदर है, यानी मुख्यमंत्री के जो चैम्बर है विधानसभा के अंदर, उस चैम्बर के बाहर में बैठकर वो जितने भी उनकी कुछ दिन पहले जो तमाम मुद्दों को लेकर वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वही मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री के चैम्बर के बाहर वो सभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने जिस तरह से 5 लाख लोगों को नौकरी देने की बात की थी हर साल, इसके अलावा पारा शिक्षा का मामला हो, सहायक शिक्षकों की बात कर ले, आंगनबाड़ी की बात कर ले, सहायक पुलिसकर्मियों की बात कर ले, उन तमाम मुद्दों को लेकर आज भी सदन के अंदर में जो मुख्यमंत्री की जो कक्ष है उसके बाहर बैठ के वो सभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन ठीक थोड़ी देर पहले हम इसी विधानसभा के बाहर में जो शशिभूषण मेहता है, जो पांकी से भाजपा के विधायक है, वो बढ़ती बालू की कीमत को लेकर सदन के बाहर प्रोटेस्ट करते नजर आए। वो 1000 रुपये किलो बालू तराजू से तौलकर अन्य जो भाजपा के विधायक हैं उनको बेचते हुए नजर आए। उनका कहना कि झारखंड में जो बालू की कीमत जो किल्लतें हो रही है इसके पीछे राज्य सरकार जिम्मेवार है, सरकार के जो मंत्री है, सरकार में शामिल जो मंत्री है, वो मंत्री वो दूसरे राज्यों में बालू को ब्लैक करके बेच रहे हैं, इसलिए झारखंड में बालू की कमी हो रही है और बालू की कमी होने के वजह से जो जो गरीबों को जो आवास दिए जाते हैं वो आवास बन नहीं पा रही है, कई ऐसे सरकारी जो काम है वो बालू की किल्लत के वजह से रुकी हुई है। तो ये पूरी तरह से ये आरोप लगा रहे हैं गढ़वा जिले के जो मंत्री हैं मिथिलेश ठाकुर, जो वर्तमान में हेमंत सोरेन के सरकार में शामिल मंत्री हैं मिथिलेश ठाकुर, उनके वो आरोप लगा रहे हैं कि मिथिलेश ठाकुर के इशारे पर, उनके हस्तक्षेप पर झारखंड यानी गढ़वा जिले के बालू नोएडा में औने पौने भाव में बेचे जा रहे हैं। तो यानी बालू की किल्लत को लेकर थोड़ी देर पहले इसी सदन के बाहर में विपक्षी विधायक प्रोटेस्ट करते नजर आए, 1000 रुपये किलो बालू बेचते आए। लेकिन सबसे बड़ी बात है आज सदन की कार्रवाई का आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन में से कई जो पेंडिंग जो विधेयक है उस विधेयक को फिलहाल पटल पर रखे जा रहे हैं। कयास ये लगाई जा रही है कि सदन का आज आखिरी दिन है तो ऐसी स्थिति में सदन आज काफी देर तक चल सकती है। बिल्कुल, सूर्य सरकार की ओर से देखिए सीएजी रिपोर्ट को भी रखा गया है, इसके साथ ही तमाम ऐसे कई अहम फैसले का जिक्र आप भी कर रहे हैं जिनको आज रखा जाएगा। इसके साथ ही सरकार से झारखंड के मुख्यमंत्री की अगर बात करें हेमंत सोरेन भी यहां पर बोलते हुए नजर आएंगे, तो ऐसे में उनके द्वारा क्या कुछ बातें रखी जा सकती हैं जो कि अहम होने वाली हैं? देखिए सदन के आखिरी दिन है और ऐसी स्थिति में अब तक जो इससे पहले जो 5 दिन के कार्य दिवस हुए हैं, 5 दिनों तक जब हाउस चली है तो मुख्यमंत्री नहीं बोल सके हैं, लेकिन आज हाउस का आखिरी दिन है तो ऐसी स्थिति में तमाम विधेयक को पेश करने के बाद, उसे पारित करने के बाद मुख्यमंत्री अपना भाषण सदन के अंदर दे सकते हैं, क्योंकि ये सरकार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यकाल यानी 2024 का ये आखिरी विधानसभा सत्र है। तो ऐसी स्थिति में राज्यवासियों को मुख्यमंत्री के तरफ से यानी झारखंड सरकार के तरफ से कोई बड़ी सौगात दे सकती है, तो क्या से लगाया जा रहा है कि ये सत्र आखिरी है और आखिरी समय में मुख्यमंत्री अपने संबोधन में राज्यवासियों को कोई बड़ी सौगात दे सकती है। तो ऐसी स्थिति में लोगों को ये इंतजार है क्योंकि 2024 का ये आखिरी सत्र माना जा रहा है, क्योंकि कुछ दिन के बाद असेंबली इलेक्शन है, तो ऐसी स्थिति में जब चुनाव की घड़ियां जब सामने आ ये तो निश्चित तौर पर यह कह सकते हैं कि राज्य सरकार आने वाले चुनाव को देखते हुए झारखंड की जनता को कोई बड़ी सौगात दे सकती है। बिल्कुल, देखिए सूरज, हर राज्य की एक अपनी विशेषता होती है और जब हम झारखंड की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं खनिज को लेकर के बात सामने आती है और सरकार को भी हमने कई मंच पर सुना कि देखिए झारखंड खनिज के मामले में अटूट संपदा यहां पर कह सकते हैं उसके पास है और वो काफी रिच है इस मामले में। हालांकि लेकिन जनता का जिक्र करते हुए सरकार कहते हुए नजर आती है कि जनता यहां पर आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष करते हुए दिखाई देती है, उसको उतना पावर नहीं दी जा रही या उसको उतना ताकत देने का काम नहीं किया जा रहा है। तो इसको लेकर के खनिज को लेकर के खासतौर पर, क्योंकि ये उम्मीद जताई जा रही थी कि खनिज को लेकर के
तमाम बातें रखी जा सकती हैं, और उसको लेकर के क्या आज बात हो सकती है? देखिए, खनिज संपदा से भरा है हमारा झारखंड, और यहाँ की जो खनिज है, चाहे बॉक्साइट की बात कर ले, अभ्रक की बात कर ले, कोयले की बात कर ले, पत्थरों की बात कर ले, तो यहाँ से दूसरे राज्यों में निर्यात होते हैं। लेकिन ऐसे स्थिति में हमारा झारखंड आज भी गरीब है। 24 साल हो चुके हैं झारखंड को अलग हुए, लेकिन आज भी यहाँ पर पलायन की स्थिति बनी हुई है, यानी रोजगार की स्थितियाँ आज भी उत्पन्न है। और यही वजह कि झारखंड से बड़ी संख्या में लोग यहाँ से दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं, रोजी रोटी के तलाश में वो जाते हैं। लेकिन सरकार के पास वो सारी सुविधाएँ झारखंड में, लेकिन उन सुविधाओं को लेकर अमली जामा नहीं पहनाया जाता है, और यही वजह कि आज भी हमारा झारखंड अन्य राज्यों से काफी पीछे है। अगर झारखंड की बात करें, जब झारखंड अलग हुई थी, तो आप देख ले छत्तीसगढ़ की बात कर ले, उत्तराखंड की बात कर ले, आज के तारीख में ये दोनों राज्य कहाँ हैं? लेकिन आज भी हमारा झारखंड आज भी वही के वही है। आज भी जो पलायन की स्थिति है झारखंड में बनी हुई है। आप संथाल अगर आप चले जाएं, तो संथाल में से कई ऐसे माइनिंग है, कई ऐसे पत्थरों के खदान है, और हमारा जो झारखंड है, चाहे वो कोयले की बात कर ले, अभ्रक की बात कर ले, बॉक्साइट की बात कर ले, तो इससे कहीं अछूता नहीं है। लेकिन जो रोजगार जो लोगों को मिलनी चाहिए, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाती है। आपने देखा कि इससे पहले रघुवर दास की सरकार थी, तो मोमेंटम झारखंड की उन्होंने शुरुआत करी थी, और कई कंपनियों को उन्होंने झारखंड भी लाया था, लेकिन आज भी उसकी स्थिति काफ़ी जर्जर है। सिर्फ घोषणाएं कागज तक हुई थी, मीडिया तक हुई थी, लेकिन आज भी धरातल पर नहीं उतरी है। तो ये करोड़ों रुपए अरबों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन वही ढाके तीन पात साबित होते हैं, और यही वजह कि आज भी झारखंड काफ़ी पीछे है। तो ऐसी स्थिति में सरकार जिसकी भी बने, केंद्र में जैसे बीजेपी की सरकार है, झारखंड में किसी की भी सरकार बने, चाहे इंडिया गठबंधन की बने या फिर एनडीए की बने, लेकिन झारखंड की स्थिति को सुधारने की बहुत ज़रूरी है। झारखंड में आज भी रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन तमाम जो मूलभूत की जो सुविधाएं हैं, वो आज भी इससे लोग काफी वंचित हैं। बिल्कुल, ऐसे में देखना होगा कि देखिए खनिजों के कर को लेकर के वसूली की जो बात कही जा रही थी, उस पर क्या कुछ बात रखते हुए नजर आते हैं। हालांकि हमें समझना चाह रहे, देखिए जिस तरीके से विधायकों पर कार्रवाई की गई, विपक्ष के विधायक हैं, कहा जा रहा था कि सुबह से ही उनके द्वारा प्रदर्शन किया गया, साथ ही साथ वो मुख्यमंत्री के चैंबर के बाहर प्रदर्शन कर धरने पर बैठ गए एक तरीके से, और प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल क्या वो वहां पर मौजूद हैं और उनका धरना प्रदर्शन जारी है? देखिए बिल्कुल, फिलहाल अभी सभी जी, बिल्कुल सभी 18 विधायक जो आज दोपहर 2 बजे तक उन्हें निलंबित किया गया है विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से, सभी विधायक अब भी मुख्यमंत्री के चैम्बर के बाहर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और जो भी उनकी जो भी उनके मुद्दे हैं, उन तमाम मुद्दों को लेकर सदन के भीतर जो मुख्यमंत्री का चेंबर है, उस चेंबर के बाहर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, सरकार से वो 2 दिन पहले भी जवाब मांग रहे थे इन तमाम मुद्दों को लेकर, और आज भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से वो जवाब मांग रहे हैं। लेकिन ये सभी 18 विधायक आज दोपहर 2 बजे तक लिए निलंबित है। सदन की कार्यवाही लंच के बाद, जब 2 बजे के बाद शुरू होगी, तब उन्हें अंदर सदन के अंदर प्रवेश करने दिया जा सकता है। आपने देखा कि जिस तरह से बिल्कुल तमाम की तस्वीरें लगातार देख रहे हैं, और विपक्ष द्वारा लगातार हंगामा किया जा रहा है। इस बीच बड़ी खबर सामने आपके पास और जानकारी लेंगे। देखिए बीजेपी विधायकों की बैठक हुई है, जहां पर असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने बैठक की है। बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हैं हिमंत बिस्वा शर्मा, संगठनात्मक कार्यक्रमों के बारे में जानकारी उनके द्वारा ली गई। बैठक में बाबूलाल मरांडी, अमर कुमार बावरी इस दौरान मौजूद रहे। तो यह बैठक हुई है, और इसमें असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा जहां मौजूद रहे, तो वहीं बीजेपी विधायकों की यह बैठक हुई है। बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हिमंत बिस्वा शर्मा ने संगठनात्मक कार्यक्रमों के बारे में इस दौरान जानकारी ली है। बैठक में बाबूलाल मरांडी, अमर कुमार बावरी मौजूद रहे, और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज हमारे साथ बने हुए हैं। सूरज, देखिए संगठनात्मक तौर पर एक बैठक, एक तरफ जहां सदन के बाहर हंगामे की तस्वीर, तो वहीं दूसरी ओर पूरी तैयारी बीजेपी की ओर से, और असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा भी संगठनात्मक बैठक में मौजूद, और उसको लेकर के पूरी एक चर्चा की गई है, एक रणनीति कह सकते हैं तैयारी हो रही है। देखिए झारखंड विधानसभा के चुनाव प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री असम विश्वकर्मा 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड में मौजूद हैं। आज वो जमशेदपुर का दौरे पर रहेंगे, लेकिन कल पाकुड़ के बाद वो सीधे रांची पहुंच जाते हैं, जहां रात 10:30 बजे बीजेपी कार्यालय में विधायकों के साथ उन्होंने बैठक करी। तमाम विधायक मौजूद थे, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी, विधायक दल के नेता जो हैं अमर कुमार बावरी, इसके अलावे प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, संगठन महामंत्री करमबीर सिंह के साथ सभी जो विधायक है, सभी विधायकों के साथ हेमंत बिस्वा शर्मा ने बैठक की। बैठक में संगठनात्मक मुद्दों के साथ साथ जो विधानसभा में जो मुद्दे को विपक्ष के विधायकों ने, यानी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने जो उठाए थे, उन मुद्दों को लेकर उन्होंने सहराया भी है। उनका कहना कि राज्य सरकार ने जो भी वादे किए थे राज्य की जनता को लेकर, वो पूरा नहीं किए हैं। उन मुद्दों को लेकर वो हर प्रखंड में, हर जिले में वो जाए, ताकि वो चुनावी
झंडा बन सके, तो ऐसे उन्होंने कई उन्होंने टिप्स दिए हैं चुनाव को लेकर, और चुनाव को लेकर उनकी गंभीरता काफी दिखाई दे रही है कि कुछ महीने के बाद झारखंड में असेंबली इलेक्शन है, और असेंबली इलेक्शन के बाद किस तरह से झारखंड में एनडीए की सरकार बने उसे लेकर वो उनकी गंभीरता झारखंड के प्रति काफी देखने को मिल रही है। और यही एक वजह है कि हेमंत बिस्व शर्मा लगातार झारखंड के दौरे पर दिखाई देते हैं, और कल भी देर रात तक उन्होंने बैठकें करी, और बैठक करने के बाद वो जमशेदपुर के लिए आज रवाना हो गए। वहां भी संगठनात्मक मुद्दों को लेकर तमाम जो भाजपा के नेता हैं उनके साथ वो मुलाकात करेंगे। लेकिन जिस तरह से विधानसभा में बीजेपी के विधायकों ने जो मुद्दे उठाए उन मुद्दों को लेकर जन जन तक पहुंचाने की उन्होंने बात किया है, यानी कि एक पूरा मैप तैयार किया जा रहा है कि किस तरीके से जनता के बीच में जाकर के जो मुद्दे वहां पर हैं उनको कैसे और भुनाया जा सके, और कह सकते हैं कि चुनाव को मद्देनजर ये पूरी एक तैयारी। देखिए बिल्कुल कह सकते हैं कि चुनाव को लेकर लगातार तैयारियां चल रही है, और इससे पहले भी आपने देखा कि झारखंड में जिस तरह से कार्य समिति की बैठक हुई, इसके अलावा आपने देखा कि लगातार केंद्र कृषि मंत्री और झारखंड के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान के बात कर ले, असम के सीएम के बात कर ले, लगातार झारखंड के दौरे पर वो आ रहे हैं। इससे पहले भी आपने देखा कि अमित शाह का भी चुनावी शंखनाद झारखंड को लेकर, झारखंड असेंबली इलेक्शन को लेकर हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में हाउस जैसे ही खत्म होगी, आज विधानसभा का आखिरी दिन है, और आज के बाद तमाम जो विधायक वो अपने क्षेत्र में चुनावी कार्यक्रम में वो जुट जाएंगे, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों के बाद इलेक्शन है, असेंबली इलेक्शन है, तो ऐसी स्थिति में बहुत जल्द अब झारखंड आचार संहिता लग जाएगी। तो इसके बाद वो लगातार चुनाव को लेकर जो तमाम नेता है वो ग्रामीण वो ग्राउंड जीरो पर वो नजर आएंगे, किस तरह से सत्ता पक्ष के जो कार्यकाल रहे हैं इन 4.5 सालों का हेमंत सोरेन के, उन कार्यकालों को गिनाने की कोशिश करेंगे वो, क्योंकि उनके कार्यकाल में क्या कुछ नहीं हुए हैं। जिस तरह से उनके मैनिफेस्टो में 5 लाख नौकरी देने की वादा किया था, हर साल वो नौकरियां नहीं दे पाई। इसके अलावा पारा शिक्षक की बात कर ले, सहायक पुलिसकर्मियों की बात कर ले, आंगनबाड़ी सेविकाओं की बात कर ले, तो ऐसे कई मुद्दे हैं। उन तमाम मुद्दों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ यानी हेमंत सोरेन के खिलाफ, इंडिया गठबंधन के खिलाफ, एनडीए के तमाम विधायक हर प्रखंड में हर बूथ लेवल में वो जाकर लोगों को ये बताने की कोशिश करेंगे कि राज्य सरकार ने अभी तक क्या किए हैं क्या नहीं किए, यानी उनका रिपोर्ट कार्ड जो है वो जनता के बीच गिनाने का काम करेगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका।